डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जूम क्लासेस में बायोलॉजी से संबंधित थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान भी कहते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी भी विज्ञान की एक शाखा है या ब्रांच ऑफ साइंस है। यदि इसको डिफाइन किया जाए तो बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग एंड देयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। सजीवों का अध्ययन सबसे पहले एरिस्टोटल, हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं, इन्होंने प्रारंभ किया था। इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। बायोलॉजी का मतलब, बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवन, और लॉजी, ये दोनों लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, लोगस से। इसका मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। जीवन का अध्ययन, तो जीवन से तात्पर्य है जीवों से, और जीव हम किन्हें कहते हैं, जिनमें जीवन होता है। तो जीवों के अध्ययन के विज्ञान को हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। और हमारे अब हमारे बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लिविंग बर्ड, जीव जगत। क्वेश्चन होता है व्हाट इज लिविंग, सजीव क्या है। तो अब इसकी कोई अभी तक सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन नहीं है, यानी कोई संतोषजनक परिभाषा सजीवों की नहीं है। बस हम कुछ लक्षणों से या कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर से ही सजीवों को या लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं या कौन कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो सजीव को या लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं, तो ये कैरेक्टर है। पहला है शेप एंड साइज। तो हर एक लिविंग बींग का एक निश्चित आकार होता है, डेफिनेट शेप होता है, और निश्चित आकृति होती है। दूसरा कैरेक्टर ग्रोथ, जिसे हम हिंदी में वृद्धि कहते हैं। सभी जीवों में वृद्धि होती है, सभी जीवों में वृद्धि होती है। वृद्धि से मतलब है सभी जीव अपने आकार में वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा, हम किसी जब कोई एक बीज जमीन में या मिट्टी में बोते हैं तो छोटा सा एक पौधा निकलता है, समय के साथ वो अपने आकार में बढ़ता जाता है। ऐसे ही कोई जीव जब पैदा होता है जंतु, तो वो बहुत उसका आकार छोटा होता है, लेकिन समय के साथ या जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसके शरीर में वृद्धि होती जाती है। ये लक्षण केवल सजीवों में ही होता है, निर्जीव में ये चीज़ नहीं पाई जाती। उनका जो आकार है वो सालों तक एक जैसा ही रहता है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, रिप्रोडक्शन, हिंदी में हम इसे प्रजनन या जनन कहते हैं।
ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो केवल सजीवों या लिविंग बींग्स में ही होता है। इसको यदि हम डिफाइन करें तो प्रोडक्शन ऑफ अलाइक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे नए जीवों को बनाने की प्रोसेस को या क्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगली या अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाबॉलिज्म, इसे हम हिंदी में उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत दो क्रियाएं होती हैं, एक अपचय और उपचय, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम उपचय कहते हैं हिंदी में, कैटाबॉलिज्म को अपचय कहते हैं। ये दो तरह की क्रियाएं या रिएक्शंस सभी लिविंग बींग्स में या सजीवों में होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस या रिएक्शंस जो होती हैं उसमें छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बड़े मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और कैटाबॉलिक रिएक्शंस या क्रियाओं में बड़ा मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है या विघटित होता है छोटे मॉलिक्यूल्स में या अणुओं में। अगला कैरेक्टर है सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि कोशिकीय संरचना। ये भी एक विशिष्ट लक्षण है जीवों का कि सभी जीव जो हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी उनका शरीर कोशिकाओं का बना होता है, भले ही वो एक कोशिका हो या एक से अधिक कोशिकाओं। ने 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक कोशी जीव और बहुकोशी जीव, तो ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से ना बना हो, यानी ए सेलुलर कोई भी जीव नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्सियसनेस या सेंसिटिविटी, उत्तेजनशीलता, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं संवेदनशीलता। सभी लिविंग बींग जो हैं वो अपने सराउंडिंग या अपने चारों तरफ होने वाले परिवर्तनों के प्रति अवेयर होते हैं, चाहे वो हम हों या दूसरे जीव जंतु। तो उनमें वातावरण में या अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों के प्रति रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने की क्षमता पाई जाती है, इसी को हम सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता कहते हैं। अगला है डेफिनेट लाइफ साइकिल या निश्चित जीवन चक्र। तो हमने देखा होगा जीवन चक्र जन्म से मृत्यु के बीच के जितने भी इवेंट्स या जितनी भी घटनाएं होती हैं उसे हम उस किसी भी जीव का जीवन चक्र कहते हैं। तो जीवन चक्र सभी जीवों का अलग अलग होता है, यहाँ पे अलग अलग से मतलब है आयु काल से। कोई जीव जो है वो कुछ घंटे ही जीवित रहता है, कोई जीव कुछ सालों तक जीवित रहता है, लेकिन यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है कि कोई भी जीव अमर नहीं है, बस सभी जीवों का आयु काल अलग अलग होता है। ठीक है, सभी का जो लाइफ पीरियड है वो डिफरेंट होता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में गति कहते हैं। गति के साथ ही एक और शब्द है लोकोमोशन या प्रचलन। तो गति से तात्पर्य है जैसे ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज हो रही है। तो सभी जीवों में मूवमेंट होती है और लोकोमोशन होता है। यहाँ ये ध्यान रखें कि प्लांट में सिर्फ मूवमेंट होता है, आपने देखा होगा पौधों की पत्तियाँ सिकुड़ी होती है या फूल हैं वो धीरे धीरे खुलते हैं और मूवमेंट करते हैं, जबकि एनिमल्स में मूवमेंट जो है वो क्लियर दिखाई देता है, लोकोमोशन या प्रचलन क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हम आ जा सकते हैं। तो ये जंतुओं का या जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। अगला है जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ। तो सभी All living beings have their
हेरिडिटरी मटेरियल और आनुवंशिक पदार्थ, इसी के द्वारा ये अपनी इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। इन्हें हम आगे के चैप्टर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन मटेरियल्स को हम डीएनए और आरएनए कहते हैं, जो जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड्स भी कहते हैं। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कुछ अधिकांश जीव जो होते हैं उनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ जीव हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। अगला विशेष लक्षण है जीवों का एडेप्टेशन, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। हर एक जीव में अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तन के प्रति एडजस्ट करने की या सामंजस्य बिठाने की क्षमता होती है, और उसकी इसी क्षमता को हम एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। और लास्ट, हालांकि बहुत सारे हैं ये, लेकिन मैं सारे मैन जो हैं कैरेक्टर्स वो ही मैं बता रहा हूँ आपको। डेथ, ऐसा अभी मैंने बताया था कि कोई भी जीव जो है वो अमर नहीं है। जिस जीव का भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो मृत्यु एक वह अवस्था है जिसमें जीव की सभी जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं, जो कि कोशिकाओं में होती हैं। और जब सभी कोशिकाओं की जैविक क्रियाएँ रुक जाती हैं तो उस जीव की मृत्यु या डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की सजीव क्या हैं या लिविंग बींग्स क्या हैं, उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। आगे की जो सिलेबस में हमारे हैं वो हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।